नमस्कार दोस्तों दोस्तों काम की बातों के अंतर्गत आज मैं आपको यह बताऊंगा कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने के लिए क्यों मना किया जाता है। दोस्तों वैसे तो दंडवत प्रणाम सभी प्रणामों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने की मनाही है। स्त्रियों को किसी के भी सम्मुख दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये निषेध है। लेकिन आजकल देखने में आता है कि स्त्रियां मंदिर में, पूजा स्थलों में, परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती है, जो शास्त्र के अनुसार अनुचित है। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने के लिए मना करें और उनको इस लॉजिक को समझाएं, ये जबरदस्ती ना करें। समझाएंगे तो उनकी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बात बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत काम की है। दोस्तों धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि ब्राह्मणों का पश्च भाग, शंख, शालिग्राम, धर्म ग्रंथ और स्त्रियों का वक्ष स्थल यदि सीधे भूमि पर स्पर्श करते हैं तो पृथ्वी इस भार को सहन नहीं कर सकती। पृथ्वी के लिए यह असहनीय भार माना जाता है। इस भार को डालने से श्री यानी अष्ट लक्ष्मियों का हरण होता है, इससे अष्ट लक्ष्मियां क्षय होने लगती हैं। इसीलिए स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने के लिए मना किया जाता है। स्त्रियों को दंडवत प्रणाम के स्थान पर घुटनों के बल बैठकर अपने मस्तक को धरती पर लगाकर प्रणाम करना चाहिए। यही शास्त्रों में उचित बताया गया है, यही शास्त्रों में ठीक बताया गया है। इसके पीछे एक लॉजिक ये समझ में आता है, इसलिए मैंने इस बात को आपको शेयर करना उचित समझा, क्योंकि हमें सच्चाई पता होनी चाहिए। आशा है मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो स्त्रियों को दंडवत प्रणाम करने के लिए मना करें और उनको इस लॉजिक को समझाएं, ये जबरदस्ती ना करें। समझाएंगे तो उनकी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बात बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत काम की है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।